रहमान रहीम, जैसा कि आपको मालूम है कि फिक्सिट ने अपनी मुहिम का आगाज गटर के ढक्कन लगाने से और इसके लिए एहतजाज करने से किया और फिक्सिट आज दिन तक पिछले 4 साल से इस शहर में गटर के ढक्कन फिक्स कर रही है जिससे इंसानी जान बचाई जा सके। एक फलाही और इंसानी खिदमत के जज्बे से नौजवान निकले, अपनी मदद आप शहर में गटर के ढक्कन लगा और अब फिक्सिट को आपकी मदद की जरूरत है। हमें दीगर कामों की तरह गटर के ढक्कन के लिए जो इमदाद चाहिए होती उसमें उस अंदाज में मदद नहीं मिलती जिस तरह बाकी दीगर फलाही कामों में। शायद लोगों को इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं, शायद लोगों को ये मालूम नहीं कि कराची में हर महीने 2 से 3 वाकयात होते जिसमें कच्ची आबादियों में बच्चे गटर के अंदर गिर के मर जाते। 2-3 दिन इनकी लाश वहां मौजूद रहती और फिर उनके वर्सा इनको ढूंढ रहे होते, थाने वगैरह में इनको तलाश कर रहे होते, लेकिन 3 दिन बाद जब गटर से उनकी लाश बाहर आती तो मालूम चलता कि ये गटर में गिरे। माचगोट में ऐसा वाकया हुआ, सऊदाबाद में ऐसा वाकया हुआ, जमशेद टाउन में ऐसा वाकया हुआ, हम वहां गए लियारी में ऐसा वाकया हुआ और ये चलते रहते। वीआईपीस के घर के बाहर ऐसे वाकयात नहीं होते, ये एक बदकिस्मत अलमी है। तो अब हमने, चूंकि हमें इसमें डोनर्स की मदद कम रहती, तो हमने फैसला किया कि हम अपनी कॉस्ट कम करने के लिए, एक ढक्कन बनाने में जो लागत आती उसको कम करने के लिए, हमने ये काम अब खुद से, एक मेन होल कवर को बनाना खुद से शुरू किया। इसके लिए हमें यहाँ पर स्टील की प्लेट्स, सरिया, रेती मिक्स, क्रश और सीमेंट दरकार रहता और ये हम अपनी मदद आप खुद इसको बनाते और सैकड़ों ढक्कन इंशाल्लाह हम 1 हफ्ते में तैयार करते और शहर में लगाना शुरू करते। एक मेन होल कवर में जो लागत आती वो तकरीबन 550 के करीब आती, जो कि अगर यही मेन होल कवर हम मार्केट में जाके ले तो तकरीबन इसके 100% ऊपर इजाफे में हमें खरीदना पड़ता। तो मैं आप तमाम दोस्तों से जो देखने और सुनने वाले उनसे रिक्वेस्ट करता हूं इस कॉज में हमारी मदद करें, इसकी अहमियत को समझें। ये जो बाइक्स पर या रक्षे में ट्रैवल करते उनके डेली एक्सीडेंट्स होते हैं, मेन रोड पर कच्ची आबादियों में बच्चे गिर के मरते, इन सब की हिफाजत के लिए, इवन ट्रैफिक जाम्स होते मेन होल अगर खुला होता इसके बाइक, इन सब की हिफाजत के लिए आप हमारी मदद करें। और स्पेशली जो बिल्डर्स हजरात हैं जिनका ताल्लुक कंस्ट्रक्शन फील्ड से है, उनके किसी भी प्रोजेक्ट से जो भी बकाया जात रहती, जो रेती मिक्स की शक्ल में, सीमेंट की शक्ल में, सरिया या स्टील प्लेट की शक्ल में, वो आप हमें डोनेट करें। हमें इस कॉज के लिए आपकी मदद चाहिए, हमें कोई मॉनिटरी टर्म्स में या पैसों की तर्ज में कोई आपकी मदद नहीं चाहिए। आप वसाइल की मद में हमारी मदद करें, हमें वसाइल आप प्रोवाइड कर दें जिससे हम अपना ये काम जारी रखें और शहर में जो फलाही खिदमत का ये नौजवान निकले एक जज्बे से ये जारी और सारी रहे। तो इंशाल्लाह मुश्किलें आएंगी, आती रही हैं, हमने नहीं रुकना, ना पीछे हटना है अपनी इस कॉज से। जहां कोई मुश्किल आएगी हमने ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार कर लिया। तो फिक्सिट खड़ी है, आपकी मदद दरकार है, मैं उम्मीद रखता हूं आप हमारी मदद करेंगे। शुक्रिया।